लखनऊ महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ महज कूचो बाज़ार नहीं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, इसके गुलशन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने कवि सम्मेलन शुरू किए तब से मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती थी कि मैं BHU में आऊँ। जब से लगभग 12 वर्ष पहले मैं पहली बार आया था तो मुझे लगा कि असली स्टूडेंट्स तो यही हैं, कविता सुनने वाले असली लोग तो यही हैं। फिर उसके बाद कई बार मैं आया यहाँ पर, पिछले 5-1 साल से नहीं आया था क्योंकि मैंने सुना यहाँ पर हो ही नहीं रहा था। मुझे वन ऑफ द बेस्ट जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनमें से काशी यात्रा का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। इसकी वजह क्या है कि जो इसके व्यूवर्स हैं, जो श्रोता हैं, वो यूथ हैं, और यूथ का चारों तरफ जो उनका डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो दे वांट टू एंजॉय द लाइफ। तो जब उनके सामने कविता आती है तो उसको एंजॉय करते हैं, जब उनके सामने कोई लाफ्टर आता है तो उसको एंजॉय करते हैं, जब उनके सामने कोई इमोशन आता है तो इसको एंजॉय करते हैं। तो जो यूथफुलनेस है वो मुझे काशी यात्रा में बहुत दिखाई पड़ती है। हम लोग स्टेज पे थे तो बहुत लाइव थे, बहुत स्माइलिंग थे, बहुत मस्त थे, है ना। और इसीलिए शो अच्छा होता है, जब हम पूरे मन से जुड़ते हैं ना किसी चीज़ से तो वो हमारे अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए ये शो जो था वो हमारे अंदर इन्वॉल्व था, इनबिल्ट सा महसूस हो रहा था कि व्हाट वाज कमिंग आउट ऑफ मी, वो सब कुछ जो है इसी प्रोग्राम से बना हुआ था। मैं मंच पर हाथ से जानता कभी, उसकी वजह ये है कि समाज में जिस चीज की कमी होती है उसकी सप्लाई ज़्यादा तेज़ी से लोग रिसीव करते हैं, है ना। चीनी कम हो जाए बाज़ार में तो चीनी महंगी हो जाएगी, लोग चीनी के लिए लाइन लगाने लगेंगे। नोटबंदी हुई थी तो नोट नहीं थे, लोग मरे थे ना मारपीट की। ऐसे ही इस समय जीवन में हाथ से कम हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो उनके ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस है, पेरेंट्स ने उनको लोन लेकर के भेजा है तो उस लोन को अदा करने का स्ट्रेस है, और अपने पेरेंट्स कि वो इच्छाएं कि हमारा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बने, बहुत बड़ा कवि बने, वो स्ट्रेस है। जो उसका परिवार है उसमें मेरे चाचा जी का बेटा जो है वो तो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मैं कैसे जो है छोटा रह जाऊँ, ये स्ट्रेस है। महंगाई का स्ट्रेस है, पॉलिटिकल स्ट्रेस है, गुंडागर्दी का स्ट्रेस है, चारों तरफ स्ट्रेस ही स्ट्रेस फैले पड़े। तो ऐसे में आदमी वास्तव में मुस्कुराना भूल जाता है, तो क्यों ना मुस्कान बांटी जाए। तो फिर हमने हाथ से व्यंग चुना, और मुझे तो मेरे शहर के लोग स्माइल मैन कहते हैं, मेरा संबोधन भी करते हैं स्माइल मैन से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शायद यही वजह है कि मैं स्माइल्स की डिस्ट्रीब्यूट करता रहता हूँ। और लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ, आसमां की क्या है ताकत जो छुड़ाए लखनऊ। और मैं दो और लाइनें कहूँगा लखनऊ के लिए कि लखनऊ महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ महज कूचो बाज़ार नहीं, लखनऊ महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ महज कूचो बाज़ार नहीं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, इसके गुलशन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं। तो मेरी तो ज़हनियत में ही लखनऊ बसा हुआ है। हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे, दुनिया कुछ कहती तो कह ले लेकिन कोई फ़र्क नहीं, बस पैमाना बना रहे और ये मैखाना बना रहे। और चूँकि मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ आप लोगों को पता चल चुका है, तो मेरे बापू भी लाएंगे एक खिलौना प्यारा सा, मेरे बापू भी लाएंगे
एक खिलौना प्यारा सा हर मुफलिस के बच्चे का ये ख्वाब सुहाना बना रहे। मुफलिस माने गरीब, हर मुफलिस के बच्चे का ये ख्वाब सुहाना बना रहे। और कोई ऐसी बात तो कह दे अपनी कविता में सर्वेश, अभी लगता है कि कुछ कह ही नहीं पाए। कोई ऐसी बात तो कह दे अपनी कविता में सर्वेश, जो भी सुन ले सुनकर इनको बस दीवाना बना रहे। ये मैं कहना चाहता हूँ।